गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे एकदम से। तो आज हम कितनी जल्दी उठे आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो टाइम हो रहा है 7:14, हम 5:30 बजे उठे थे, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहा धो के, हम लोग तैयार हो गए। हाँ, हम लोग जा रहे हैं कहाँ वो बाद में जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक ये ब्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं, क्या मस्ती होगी, सब कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और वहां पे कोई वेट कर रहा है, और क्या आगे होने वाला है, क्या सीन है, सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं वहीं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है। तो अभी यार ये लोग फर्जी में मेरी बेइज्जती कर रहे हैं यार, हमेशा करते रहते हैं, बट हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो दिखाएंगे यार, ऐसे हम बहुत ज्यादा मम्मी लोग खड़ी हुई है। एक बार टाटा करो, बढ़िया ना तेरे को ऐसे नहीं, सुनो ऐसे नहीं बोला। फाइनली यार हम लोग का स्वागत करूंगा, और बस तो अंदर का मारे लगी है। अब बैठ गए गरीब हो तो। हाय देख मेरे यहाँ शांति अशांति हो गई है। हम लोग को सीट नहीं मिली, और पहले से सीट लेके जाते थे, फिर भी हम लोग को सीट नहीं मिली। अभी एक काम करना है, बहुत लोग नहीं, बहुत नहीं, कुछ ही लोग हैं जिनको सीट नहीं मिली, बाकी सबको सीट मिली। और अभी हम लोग कितनी देर में निकलेंगे आज पता नहीं है, कुछ भी निकलेंगे जैसे हम वापस निकलेंगे, ठीक है। देखते हैं वहां तक जाने के लिए क्या क्या खाने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आधा मिला हुआ है, आधे में मेरा और इसका है, तो ये हम और ये खाएंगे, लेकिन हमने एक भी नहीं देखी उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो काशीराम आने वाला है, काशीराम को बात करके हमको तो पता ही नहीं था कि हम लोग को इधर से जाना है यार। और ये ऊपर तो कितनी ज्यादा बड़ी है, अरे बहुत लोग हैं यार, देख रहे हो आगे का दिखाते हैं, आगे कितनी ज्यादा भरी हुई है, ठीक है। देखो देखो आगे कितनी ज्यादा भरी हुई है, बहुत लोग आए थे यार, लेकिन बाहर का व्यू तो बस है, अंदर देखो अंकल जी सब लोग हैं यार, बहुत लोग आए हैं। हाँ हाँ, लेकिन फिर भूल लेंगे ना। और ये लोग ये ऊपर देखो खड़े हुए वो नाश्ता वास्ता कुछ मिले, हाँ शायद कुछ खाने को मिले यार, शायद कन्फर्म नहीं है। तो यार 12-13 से ज्यादा होंगे यार, हम लोग गिनी नहीं सकते, यहाँ बहुत सारी बसें जा रही है यार, लेकिन मजा तो बहुत आ रही है। तो ये देखिए सब लोग हैं, और ये लोग रुके हुए हैं, देखते हैं यहाँ पे कितनी देर तक ही रुकेंगे और क्या होगा, ठीक है। तो जो भी होगा हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। और स्किप मत कीजिएगा, तो आगे बने रहिएगा, ठीक है। तो ब्लॉग देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, कि कैसे क्या होता है, अपनी गाड़ी से सभी लोग जाते हैं यार, आज देखते हैं इससे चलते, मज़ा आती है बहुत ज़्यादा। तो सब लोग जा रहे हैं, और मोहल्ले के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो अभी लोग हैं सब लोग हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है, क्या मिलता है खाने को, क्या नहीं है। और फिर वहाँ पहुँच के हम सोच रहे बनाएंगे, वहाँ सोच के बनाएंगे, टिकट नहीं है वहाँ से, इसलिए नहीं उठाए ताकि इसकी सीट ना चली जाए इसको, क्या इसको चाहे जितना मुंह धुल लो, गोरे थोड़ी ना हो जाओगे हम मार देंगे पर गाना भी बना दिया वही तो आंटी मम्मी के चैनल पे देखा आपने, आंटी सब लोग, आंटी लोग सब लोग जा रही है। ऊपर
ये सुअर का भैया, इसका नाम शुभम नहीं है, सुअर है। बस में सीट का तो अकाल पड़ गया था क्योंकि लोग ये सोच रहे थे जल्दी जल्दी बैठे हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लिखा था प्रेम से बोलो जय श्री राम, तो कमेंट में जब सब लोग जय श्री राम जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। पानी 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 पानी, तो इस नव युवक ने वो बस में भी पानी बेचना स्टार्ट कर दिया, ये कहीं पे भी अपना काम नहीं छोड़ता है। तो इसके लिए भी जय श्री राम बोलो सब लोग, जल्दी से कमेंट करो और जय श्री राम। अरे ऐसे नहीं बनाई जाती, फोन लगा दे। भैया शर्मा यही करो, आवाज लगा दू जाओ, आवाज लगाते हुए जाओ। पानी 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 पाँच के दो, पाँच के दो, पाँच के दो, भाई थोड़ी रखिया हुआ। अरे इधर का देखो, देखते चलो। अभी हम लोग रुके हैं डीजल टैंकी पे, तो बस में डीजल पड़ रहा है और इसको देखो ये पानी सबको पिला रहा है, समाज सेवा कर रहा है। बैठे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। यार हम ये सोच रहे कि 3-4 बजे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। कब आएंगे? वापस नहीं आना भाई, रुकना। 12 बजे आते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग। अच्छा पेट्रोल भरता है, डीजल भरता है, आपको ये नहीं पता है, लेकिन बस हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और अब ये देखते बस तो यार इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रही है सब लोग के साथ जाने को। देखो कितने सारे लोग हमने यही बोला था उसे लेने के लिए कि तो अच्छे से, तो अभी बस हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे और पानी में जाते जा भी जाते करके आ सकता है, ठीक है। तो सही मजा बोला है, फिर पहुँच के हम सब कुछ आपको दिखाएंगे और जहाँ जहाँ भी रुकेंगे वो सब कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फ्रेंड यहाँ पे मिला था एक एक लड्डू, और लड्डू के अलावा यहाँ पे सिर्फ वही एक स्नैक मिला था जो कि चिप्स था, उसके अलावा खाने को कुछ भी नहीं मिला। बताओ यार सबको, तो ये देखिए लड्डू नहीं खा पा रहा है, लगता है इसके कोलगेट में नमक नहीं है। तो बताओ किसके इसको कोलगेट में नमक। अब हम लोग पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, हमको नहीं पता कि जब इस वाले रोड में पहली बार आए हैं, तो शायद हमने देखा था 112 किलोमीटर अभी बचा है और बज रहे हैं 11:30। देखते हैं कि किस हिसाब से पहुँचते हैं, क्या होता है, हमको नहीं लगता इतनी जल्दी पहुँच पाएंगे और वहाँ पे यार देखते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे का आप लोग, अभी हम एक और व्यू दिखाते हैं पीछे का भी, एक बार चारों को खींचने के लिए, और इसने तो प्रसाद भी पा लिया है, दिखाओ प्रसाद, इसने प्रसाद भी पा लिया देखो है, और ये बेचारा बैठने पर मिल रहा है फ्री फायर सॉरी। तो बाकी सब लोग बैठे हैं, अंदर लोग बैठे हैं, सब लोग खाना खा ले। ये तो अपने लड्डू से ही जंग कर रहा है, इसको लगता किसी से मतलब ही लड्डू से जंग कर रहा है। हम लोग फिर से यहाँ पे रुक गए हैं और बाराबंकी के आगे आ चुके हैं, और अयोध्या जो है वो 77 किलोमीटर बाकी है अभी, और ये देखिए यहाँ पे रुके हैं। तो हमने किस्सा खाया था वो दिखाना हम भूल गए थे, दिमाग से उतर गया। हाँ, और ये तो इधर बैठे हुए हैं और बस यार इसी रास्ते ऐसे ही चलते रहे तो लगते रात तक पहुँचेंगे। तो हम लोग ने अयोध्या में कदम रख दिया, अरे नहीं सॉरी बस में हम लोग हैं तो कदम तो रख ही नहीं सकते हैं। तो ये देखिए ये लाइट बहुत ज्यादा अच्छी है यार, इनको क्या कहते हैं कमेंट में बताइए। और हम लोग जा ही रहे हैं, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अयोध्या में, और ये है घाट, और हम लोग यहीं पे मतलब कि हमको तो पता नहीं घाट है ना, नहीं घाटी है, आज गर्मी से पानी सूख गया। हाँ गर्मी की वजह से पानी सूख गया, अभी आएगा तो डूब जाए, नहीं इतनी जल्दी थोड़ी ना आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ बस खड़ी कर दी, सब कुछ हो गया, और हम लोग आ जाएंगे नहाएंगे जाके, फिर उसके बाद जाएंगे दर्शन करने, फिर हम आपको दिखाएंगे। हाँ क्या जाएंगे दर्शन करने, तोरे जोड़ीदार है समझ लो।
कौन से भगवान के दर्शन करोगी? हमारा हंसी है क्या? कौन से भगवान के दर्शन करोगी? राम जी के। और क्या? चलो ए अभी चलो भाई, ए रुक जा भाई, अभी शुरू हो गया, रुक जाओ सब चाटो। क्या चाटो? ला एक ब्लॉग। हम लोग आ चुके हैं अयोध्या। ये घाट है, ये हमारे दोस्त खड़े सब। ये है अरुण, ये पीछे मोनू, और ये है विशाल, और एक पागल और है। ये पागल हमारे दिखा दे रहा। ये है रश्मि पागल, पागल कहते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे कितनी बसें खड़ी हैं, बहुत लोग आए हैं यार। अभी दिखा रहे हैं कितने सारे लोग आए तुम लोग के साथ। हम कहाँ जा रहे हैं भैया? श्रीराम भाई सब लोग घाट पे जा रहे हैं, और हमें तो यहाँ कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं पानी आगे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो अब देखते हैं पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ राम घाट पे है ना, राम घाट पे आ चुके हैं। हाँ राम घाट पे आ चुके हम लोग, लेकिन लेकिन क्या हो गया? लेकिन पानी नहीं दिख रहा है, तो लेकिन तभी तो बोलना पड़ा आपको। लेकिन अभी पानी लेली घाट के पास पहुँच गया, और ये देखो पानी कितना ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं। हाँ तो हम लेकिन हाँ यार मजा तो आ रही है। लोग जा रहे नहाने, फिर उसके बाद नहाने के बाद मिलेंगे। हम लेके घर से नहा के आए थे, लेकिन फिर से नहाना पड़ेगा। घर से नहा के आए थे हम। ठीक है देखो, ठीक है देखो, ठीक है नहा के आए थे। ठीक है, लोग जा रहे नहाने के लिए। और जय श्री राम। हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ से कैसे नीचे उतरेंगे आज देख लो। लेकिन देखो सब नहा तो कौन कौन ऐसी गर्ल्स है जो यहाँ पे मेकअप का सामान नहीं भूल सकती है, बट यार मैंने एक कांड कर दिया था यहाँ पे मेकअप का सामान। क्या मैं यहाँ पे जैकेट तक भूल गई थी यार, मुझे बहुत बुरा लगा यार। मेरी फेवरेट नहीं, सॉरी विशा की फेवरेट। फ्रेंड हम लोग नहा के रेडी हो चुके हैं, और सब लोग नहा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बस जा रहे चंदन वंदन लगाएंगे, और उसके बाद जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो लोकेशन देख के आपको तो पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ आए थे, मतलब कहाँ पे आए हैं। और मुझे ये जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगी यार, बहुत ज़्यादा। आप लोग यहाँ पे आइएगा और बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा लगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं तिलक लगवाने के, वही चंदन, फिर उसके बाद जाएंगे मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कांड करके आ गए थे कि वो कांड हम सोचे हम बाद में बताएं, लेकिन हम सोचे अभी बता दें। तो हमने यहाँ पे ये चंदन लगवाया, और उसके बाद हमने सब से फेवरेट जैकेट यहाँ पे हम भूला है, चंदन लगवाया, उसके बाद हमने जैकेट पहनी नहीं, और डायरेक्ट हम लोग चले गए पूजा करने के लिए, श्री राम के दर्शन करने के लिए। उनकी भक्ति में लीन थे इसीलिए ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर। ठीक है, तो मैंने लगवा लिया, और अभी हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ पे वो बनने के लिए, बैग वैग रखें, उसके बाद चलेंगे मंदिर। हम लोग बस चल लिए हैं, और हम लोग खो चुके हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ 5 ही लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब की रील्स तो आपने देखी होंगी, बड़े हनुमान जी की मूर्ति, और हम लोग यहाँ पे आए खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है, सुबह निकले थे कुछ भी नहीं खाया था, तो इसी वजह से खाना खाने के लिए आए। ये देखो खाना खाने हम लोग। ठीक है, तो बस खाली कर पाई, अरे एक साल में दो कर लेंगे यार, देखते हैं खाना क्या है कैसे है, तो इसी वजह से फालतू वेस्ट ना हो खाना, इसी वजह से ऐसा करेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है थाली में, आपको दिखाएंगे। ठीक है, मेरे एक ही ब्लॉग में तो सब कुछ हो गया, फूड ब्लॉगिंग भी हो गई, सब कुछ कुछ भी हो गए, और आपको घुमा भी दे, चलो कोई नहीं दिखाते हैं आपको सब कुछ। ठीक है, तो ये थी 120 रुपए की थाली, जिसमें था कढ़ी और दाल और आलू गोभी की सब्जी और रोटी और चावल, और ये लोग खा रहे थे, हम खा रहे थे, सब लोगों ने खाया, और लेकिन खाना अच्छा था, लेकिन इनका बिहेवियर अच्छा नहीं था, जो जैसे बोल रहे थे ये लोग कि खाना खाने लगे यार।
यार तुम घुसेड़ो यार तुम तो जा रहे तुम ही बोल लो तो हम अपने में ना डाले वॉइस। ये राम मंदिर नहीं जा रही है। क्यों मंदिर जा रही है? हम लोग जा रहे हैं। अरे यार हमने कितना अच्छा सोचा था आंटी। ये देखिए हनुमानगढ़ी पे कितनी ज्यादा भीड़ थी और हम लोग ने जो दर्शन किए थे ना गाइज वो हम क्या ही बताएं, इतनी ज्यादा इजली मिल गए थे क्योंकि हम लोग जब वापस आए थे तो राम जी ने चाहा कि यहाँ पे भी हम लोग दर्शन कर ले, इसलिए वहाँ पे हम लोग को ज्यादा भीड़ नहीं मिली थी। इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे भी दर्शन बहुत इजली मिल गए थे। और यहाँ पे यार गाइज सच ही बताया बहुत ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आकर, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आप लोगों को भी यहाँ पे जाना जरूर चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। ये है हनुमानगढ़ी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है तो गाइज हम लोग को यहाँ पे दर्शन बहुत ज़्यादा इजीली मिल गए क्योंकि हम लोग ने आके बाद में दर्शन किए थे। हम लोग जा रहे हैं राम मंदिर उधर साइड है तो यहाँ से यहाँ पे आके बाद में करेंगे दर्शन। अभी वहाँ जा रहे हैं तो उसके बाद यहाँ करेंगे। तो यार हम लोग खो चुके हैं और हम लोग का पता नहीं है और हम लोग जाएँ कैसे क्या होगा। आंटी लोग खो गई हैं, अभी जाके देखते हैं कि आंटी लोग मिलती कि नहीं मिलती। ठीक है तो कौन कौन आ चुका है यहाँ पे और कौन कौन आने वाला वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है और मैंने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए कि मैं आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि क्या क्या करना है। ठीक ये दुकान जय श्या यहाँ की दुकानें थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और ये भगवान जी भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। तो ये हमने रात में भी यही सीन लिया था, अगर आपको देखना है तो ब्लॉग में पूरे बने रहे। जमा कर दे रहे हैं क्योंकि अब आगे का नहीं बना सकते हैं ब्लॉग भी नहीं खत्म अभी नहीं करेंगे बाद में ब्लॉग पैक करेंगे तो ये भी फोन जमा हो तो हम लोग क्या हुए हम लाइन में लगे थे तो फोन इसके पास था इसी वजह से हम ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट हाँ देखो अपने ब्लॉग में बता रही कुछ हाँ और इसके बाद हमको खाने में क्या क्या बनाया था हम आपको बताएंगे क्योंकि हम खाना खा चुके और एकदम से बहुत सारा था इस वजह से हमने दो लोगों ने उसमें खाया क्योंकि खाने को बर्बाद नहीं किया और बस पानी क्या है और खाने में ये पेट था। ठीक है सबसे पहले हम ये बता रहे कि मीठे में क्या था उसका हम खाना बता रहे आपको क्या क्या था। हम लोगों ने वहाँ पर ये जो खाना है वो पैसों से देकर खाया था और यहाँ पर हम लोग को मिला फ्री में तो मज़ा तो आए गई। और यहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी थी और एक एक पेठा था तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था। तम्बाकू खाने जा रही है जी हम तम्बाकू नहीं खाते ठीक है तो बस हम लोग का फाइनल हो चुका है। आप देखो आंटी लोग आ रही है वो लोग बहुत पहले निकल चुके हैं हम लोग लगा कि लोग करके निकल चुके बट वो नहीं निकली वो अभी यहीं पे आ रही हैं और उसके बाद हम लोग शायद जाएं बस तक कि आप कुछ खरीदें मैंने दिलाया बैग एक तो लगा दिया दिक्कत नहीं है भाई मेरा भी है कि मेरा ब्लॉग भी है सामान को छोड़ के यहाँ पे हम दोनों ने लड़ने लगे कि ये मेरा ब्लॉग है ये मेरा ब्लॉग है। बताओ यार किसके फोन से शूट हो रहा है उसी का ब्लॉग हुआ ना। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी चीज़ें मिल रही थी और आप लोग को दिखाएं यहाँ पे देखिए कितने सारे वो घंटियाँ और ये सारे कलश वगैरह सब कुछ मिल रहे थे अच्छे रेट में मिल रहे थे तो आके जिसको भी खरीदने यहाँ से आके खरीद सकता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी तो ये है राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और ये है उनका बेटा और पीछे जो बैठा है ये है राजा का मालिक जो कि आप लोग को इनकी स्टोरी पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो जा रहे हैं कि वो हनुमानगढ़ी पे ठीक है तो हम लोग मार देंगे इसके हमको वीडियो बनाने को और हमको बैक से वीडियो नहीं बनानी आती सही से तो ये लोग आगे देख रहे हैं और पीछे हम
वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सीन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। इसके कहने बहुत तगड़ा आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी में, देखो भीड़ नहीं हुई तो हम लोग अंदर चले जाएंगे, और अगर भीड़ हुई इसके बाद प्रसाद का बजा रही है चढ़ा देंगे। ये देखो तो हम अब जा रहे हैं, भीड़ देखो, देखो हम भीड़ दिखा रहे हैं आप लोगों को कि भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, और सच में बहुत ज्यादा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आधे घंटे हम लोग होगा दो, हाँ बहुत ज्यादा, मैं दो पार्ट में डालेंगे, और आप लोग इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो प्लीज 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 करके वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोग मतलब हम लोग फ्री में गए थे ना बस से, तो हम लोग ना हम लोग फ्री में गए थे ना इसी वजह से, इसी वजह से हम लोग हैं। और जिसको भी जाना है वो ब्लॉग में कमेंट करके पूछ सकता है कि कैसे क्या जाए, ठीक है। तो इसी वजह से हम बता रहे हैं आप लोग हो गए ध्यान भी रखते, हम लोग को दर्शन मिलने थे इस वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो अभी हम लोग जा रहे थे। अभी हम यहाँ पे प्रसाद लेंगे, फिर जूते करेंगे, तो ये प्रसाद ले चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, देखो वही हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रसाद हम ले पूरा बना लेना, कोई बात नहीं, एक घंटे का आधा ज्यादा डॉलर आएगा, आधा करके डालेंगे ज्यादा डॉलर आएंगे, आधा ले लेना भाई, कैमरा को पकड़े आधा पैसा तुम लोग ये है हमारी आंटी, आंटी जी और मैंने क्या कर दिया, मैं आपको बाहर में रहूँगी, अभी मैं बाहर खा रही हूँ, जाएंगे। और दर्शन में बहुत ज्यादा थक गए, हाँ हमने बांध जो हम करेंगे ब्लॉग तभी इसको बनाना होगा, साथ में बनाते भूल जाते याद आ जाते हैं, जैसे हम कुछ करने लगते तो तुरंत ही फिर स्टार्ट कर देता है ब्लॉग, तमीज कहीं का दोनों लोग एक ही इतना दोनों चीजें एक ही चैनल पे करेंगी तो क्या देखेगी बताओ यार, आप लोग हमने राइट बोला कि नहीं बोला, तो हमने बहुत सारा सामान खरीदा है और बाकी बैग में खरीदा है, तो बैग तो आपको किसी दिन वो वीडियोस में मिलेगा देखने को, देखिए। तो अभी जा रहे हम घर, अभी तो बस के पास जा रही है, क्योंकि बस के पास बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम लोग को, अभी हम लोग 1.8 किलोमीटर चलना है, तो
1.3 बचा है, 5 आ रहे हैं, 2 किलोमीटर बचा है। हाँ 2 किलोमीटर बचा है, तो अब जाना है। ठीक है, तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, टाइम तो लगेगा ही। अब पैदल जाना है 10 बजे से। तो ये सारे बॉयज लग गए चाय की लाइन में, और चाय लवर्स जल्दी से अपनी हाजिरी लगाएं, जल्दी जल्दी कमेंट में जब अपनी हाजिरी लगाएं। हम यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि हम चाय ज्यादा नहीं पीते हैं, इसी वजह से राम जी की चाय देख रहे हो, राम जी की चाय भी मिल जाए। तो ये लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, इन लोगों के चाय के साथ साथ एक एक टोस्ट भी मिला था, दो सॉरी। अभी हम लोग उसके बाद पहुँचेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बस के पास, जो कि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँचे हैं, बट हम लोग बस यहाँ से पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा थक गए यार, सच्ची बता रहे हैं। यहाँ पे हम एक फोटो नहीं क्लिक करा पाए, कुछ भी है। तो ये है वीड़ा और ये है लता मंगेशकर चौक, तो शायद चौराहा, सॉरी। सब लोग आ रहे हैं और वहाँ बस में बहुत ज्यादा मजा आएंगे। तो फ्रेंड यहीं पे घाट पे मैंने अपनी जैकेट खोई थी, सॉरी मेरी नहीं थी, विशाल की थी जैकेट, और मैंने यहीं पे खोई थी। और मुझे याद कब आई, जब मैं बस में बैठी और बस जब चलने वाली थी और ठंड लगने लगी मुझे, तब भी याद आई, तब भी यार सोच रहे व्लॉगिंग एंड कर दे, लेकिन यार सच में बहुत ज़्यादा थक गए यार, सच में बहुत ज़्यादा थक गए यार। तो हम सोच रहे व्लॉग एंड कर दे, लेकिन सोच रहे हैं घर जाके करें और आप लोग को दिखा दें कि क्या क्या सीन है। तो यहीं से सब लोग अलग हो गए थे घाट से ही, और यहीं पे सब लोग मिल भी गए हैं। देखिए अंकल लोग जा रहे हैं, बस रास्ते में भी देखते हैं डांट खाते के खाते के। और ये देख के यहाँ लेकिन हाँ सब थक बहुत, चाहे जो भी हो, चाहे तुम फोन लगवा लो मुझे। तो गाइज व्यू देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे पहुँच के जो शरीर को और पूरी बॉडी को सुख शांति मिली है कि हम क्या ही बताएं आप लोगों को। और इसके आगे हम इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि बस में थोड़ी सी बहस हो गई ड्राइवर की, तो इसी वजह से। तो फ्रेंड्स हम पहुंचे थे रात में 3 बजे यहाँ पे घर पे, और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और इसी वजह से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। और वहाँ पे बस में किसी से ड्राइवर की लड़ाई हो गई थी, मतलब कि हम ही लोग के बस में नहीं, मतलब आपस में ड्राइवर लोगों की लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा और लेट हो गया। हम लोग वहाँ से 10 बजे निकले थे, तो सोचो 10 बजे निकले से, और वहाँ पे कुछ खाया भी नहीं था किसी ने, मतलब जो आंटी लोग थी उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो इसी वजह से बस को बार बार रुक रुक के आना पड़ा खाने की वजह से, कि होटल में या ढाबे पे कहीं पे खा सके, तो इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो और लेट का ही बताया गाइस, वहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चला, ना पैर दर्द हो रहे थे ना हाथ दर्द, और घर पे आके जो हाथ पैर दर्द हुए ना, कि हम बता ही नहीं सकते आप लोग को, देख रहे हो ना चेहरा और आंखें कैसी सूजी सूजी सी लग रही हैं। तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने बहुत मेहनत की है कि आप लोग को अच्छे से अच्छा दिखा सके, तो बस थोड़ी सी मेहनत की है, ज़्यादा नहीं की है, लेकिन हाँ ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।